नमस्कार आदाब जयेंद्र सर, अगर आप लोग सीएससी बीएलई हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने अर्निंग को, जो सीएससी बीएलई हैं, अपने काम कमाई को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। एंड दोस्तों, आप अपना बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, साथ में जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसको इस काम में लेके आएंगे उसका भी अर्निंग बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं उस काम के बारे में, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कितना आपका अर्निंग होगा, कैसे उनका अर्निंग होगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम अपने चले आएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे, सर्विस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बार का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सर्च पे आपको कार्ड लिख के सर्च करना है, CRD कार्ड, कार्ड लिखेंगे या सर्च कर देंगे। कार्ड लिख के जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कार्ड आपको मिलेगा ऑप्शन, आभा ID कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड होता है वो, एप्लीकेशन फॉर्म कार्ड प्रिंट, ऐसा बहुत सारा कार्ड मिलेगा। वैसे आपको नीचे आना है, नीचे में आपको देखेंगे पतंजलि समृद्धि कार्ड, पतंजलि आयुर्वेद हेल्थ के सेक्टर में ये कार्ड बनता है। जिसके लिए कार्ड बनेगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड दोस्तों, जब आप कार्ड बनाएंगे तो कार्ड बनाने का सर्विस चार्ज भी आपको मिलेगा, कस्टमर से आप लेंगे। तीसरे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे, क्लिक हेयर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। पतंजलि सहकारी आरोग्य केंद्र आवश्यकता एवं संकल्पना, महोदय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धे आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज तथा पतंजलि युगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में योग आयुर्वाद एवं स्वदेशी के प्रचार प्रसार के साथ देश के कोने कोने तक इस अभियान को स्वदेशी से समृद्धि के साथ जोड़कर। खैर, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि इन उत्पादों को घर घर तक पहुंचाने के लिए स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना, जो SMD कार्ड है, के सदस्य बनाना व उन्हें पतंजलि सहकारी आरोग्य केंद्र के स्वदेशी अभियान से जोड़ना तथा केंद्र के माध्यम से इस सेवा को क्रियान्वयन करना, जिससे गांव-गांव तक पतंजलि के गुणवत्ता युक्त उत्पाद 5-7% तक की विशेष छूट पर सभी को प्राप्त हो सके। स्वदेशी समृद्धि योजना के अंतर्गत जुड़ने वाले सदस्यों को विशेष सहयोग प्रदान करने की योजना तैयार की गई है, जिसमें स्वदेशी समृद्धि कार्ड धारक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामांकित व आश्रित व्यक्ति को अनुदान सहयोग के रूप में ₹5,00,000 तक का मिलेगा की राशि प्रदान की जाएगी। संस्थाई दिव्यांग डिसेबिलिटी होने पर स्वदेशी समृद्धि कार्ड धारक को ₹2,50,000 तक का यहाँ पे योगदान सहयोग दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये इस कार्ड का मकसद मेन ये है कि पतंजलि जो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहती है, हर जिले में, देश के कोने कोने में पहुंचना चाहती है, तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब लोगों को आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ रजिस्ट्रेशन नॉमिनल फीस है, लेकिन ये फीस देके आप फायदा ही होने वाला है, क्योंकि देखेंगे अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होता है तो उसके घर वालों को ₹5,00,000 मिलेगा। कमा के तो ₹5,00,000 कोई दे नहीं सकेगा इतना जल्दी, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट, खैर भगवान ना करे हो, लेकिन ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनको एक इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन मिलेगा कहीं ना कहीं। प्लस अगर डिसेबिलिटी होता है तो ₹2,50,000 तक का मिलेगा। फीस क्या दे रहा है भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा पोर्टल कनेक्ट पे क्लिक करना है, ताकि आप लॉगिन हो जाए डिजिटल सेवा पोर्टल से, क्योंकि यहीं से आपको काम करना है। अब यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका डिटेल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे समृद्धि कार्ड मैनेजमेंट करने के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड यूज़र, यानी कि जितने यूज़र को आपने रजिस्टर किया वो, या व्यू यूज़र्स, अगर आपने जितने यूज़र को यहाँ पे व्यू करना है, कितने आपका यूज़र है, प्लस गेट स्टेटस, आपने जो यूज़र किया उसका स्टेटस क्या है। तो रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको नया यूज़र रजिस्टर करने के लिए आपको फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे लास्ट नेम देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, यहाँ पे आपको जेंडर चूज़ करना है, यहाँ पे फादर हस्बैंड नेम देना है जो भी एप्लीकेंट है उसका, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे सिटी जो भी वो चूज़ कर लेना है, यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करना है, प्लस पिन कोड आपको देना है, लैंडमार्क आपको देना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पतंजलि का प्रोडक्ट आएगा नए नए एरिया में अगर आपका है, तो पतंजलि का प्रोडक्ट के लिए आपका लैंडमार्क होगा, यानी कि जो फेमस जगह है वो दे देंगे, तो ईजी रहेगा वहाँ पहुँचने के लिए। आपको एड्रेस पूरा देना है, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में, आईडी प्रूफ में आपको आधार ही देना पड़ेगा, आधार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आधार कार्ड का नंबर दे देंगे, नॉमिनी में जो है, जो भी अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसको, जो आश्रित व्यक्ति, उसको जो पैसा मिलेगा उसका नॉमिनी डिटेल मिलेगा, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको देना है। उसके बाद आपको वॉलेट अमाउंट यहाँ पे देना है, रजिस्ट्रेशन फीस ₹100, यानी कि पेड अमाउंट, टोटल अमाउंट विच पेड बाई कस्टमर टू VLE, आपको जो कस्टमर पेड करेगा ₹600, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो ₹100 है, और वॉलेट अमाउंट ₹500 है। ये ₹500 उनके वॉलेट में रहेगा, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके वॉलेट में रहेगा, उससे वो परचेस कर सकते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट, और सेल आउट करके कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कार्ड बनाएंगे आपको तो यहाँ पे आप ₹1,000 चार्ज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो है यहाँ पे ₹1,000 चार्ज किया जाता है,
400 रुपये आपका सीधा सेव हो जाता है, ये आपका अर्निंग हो गया। प्लस आपने जिसको बनाया है उनका भी अलग से बहुत ज़्यादा, एक तो बिजनेस उनका खराब हो गया, पतंजलि के प्रोडक्ट बेचेंगे उस पर कमीशन अर्न करेंगे, क्योंकि जानते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट अच्छा खासा बिकता है, एक एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे उसको कमीशन भी मिल गया। प्लस यहाँ पे समृद्धि कार्ड बन गया, तो कार्ड बनाने के बाद उनको भी और ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर कुछ होता है अनफॉर्चुनेट कुछ भी सिनेरियो होता है तो वहाँ पे उनको भी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा उस घर वाले को। तो इस तरह से आप SMD कार्ड बना सकते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यार ये पुण्य का काम है, लोगों को बनाए आप कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप SMD कार्ड बनाएंगे और इससे क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या अर्निंग होगा, सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। जय हिंद।